साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमय उर्दू हिंदी में। आज जो है टीएमए नफ्सियात का साइकोलॉजी का 222 नंबर है और इसका जो टीएमए है वो जमा होना है आपका जुलाई की आखिर डेट है 31 जुलाई, उस तक ये जमा होना है। और इसमें जो है वो पहला सवाल है वो यही है कि दर्ज और ब्लैक पेन से सवाल लिखना और भाई ब्लू पेन से जो आप क्वेश्चन उतारना। तो पहला सवाल यही है कि दर्ज जेल में से किसी एक सवाल का जवाब लिखना है 40 से 60 अल्फाज में। पहला है कि फ़र्द की नशोनुमा पर मुख्तलिफ असर अंदाज होते हैं, मुख्तलिफ अनासिर, ऐसे कम से कम दो अनासिर ज़रूर बताएं जो फ़र्द की कुल नशोनुमा पर असर अंदाज होते हैं। तो इसका जवाब जो है आप लिखेंगे दो अनासिर जो फ़र्द की कुल नशोनुमा पर असर अंदाज होते हैं दर्ज जेल है। सबसे पहला है कि जिस्मानी हरकत की नशोनुमा यानी फिज़िकल एंड मोटर डिवेलपमेंट, इससे जिस्म की कद और उसकी साख्त, जिस्म के मुख्तलिफ निज़ामों के वज़ाइफ, दिमाग की नशोनुमा और इदारों की हर की नशोनुमा की तब्दीलियाँ मुराद है। और विफाकी, दूसरा विफाकी तब्दीली, इससे मुराद वो कौमी और अकली आमाल है जिसमें हाफजा, तवज्जो, जहानत, तालीमी मालूमात, मसाइल का हल, तखय्युल और तख्लीकात वगैरह शामिल है। ज़बान की नशोनुमा भी इसी ज़ुमरे में आती है। दूसरा सवाल है कि 10 जेल में से किसी एक सवाल का जवाब देना है जो कि 40 से 60 अल्फाज में देना है। ज़िंदगी के हर मैदान में योगा का आरामद है, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में योगा के इस्तेमाल की शनाख्त करनी है। तो इसका जवाब आप लिखेंगे भाई ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ शोबों में योगा का इस्तेमाल दर्ज जेल है। पहला, तालीम, पढ़ाई लिखाई के मामले में सबसे अहम रुकावट ये होती है कि हम घंटों पढ़ाई लिखाई में खर्च कर देते हैं लेकिन पढ़ा हुआ कुछ भी बाकी नहीं रह पाता और हमारे जहन भटकता रहता है। योगा की मक्श में जब हम आसन और पुराने याम को अंजाम दे सकते हैं तो हमारा सांस लंबा और गहरा होता है। योगा हमारी आमजिश और हमारे हाफजे को बहुत जहन बनाती है। इस तरह कोई गैर मुतवक्को सवाल भी हमारे जहनी खलल का सबब नहीं बन सकता। दूसरे, रिश्ते, अतराफ में रहने वाले के साथ हमारे रिश्ते हमारे लिए खुशी और दुख दोनों ही का बाइस होते हैं। जब हम योगा की मशक करते हैं तो ताउन मुकाबला आराई की जगह ले लेता है। जब हम योगा की मशक करते हैं तो ताउन मुकाबला आराई की जगह लेगा। दूसरों से मुसलसल और गैर माकूल मुतालबात करने के बजाय हम दूसरों से बेगरज और बेलौस मोहब्बत करना सीख जाते हैं। तीसरा है सेहत, हम बीमार क्यों पड़ते हैं आमतौर पर, ऐसे हमारे जिस्मानी और जहनी निज़ाम में कुछ अदम तवाज़ुन के पैदा होने की वजह से होता है। योगा की तकनीकों और इरादे की मदद से मुमकिन है कि हम कुव्वत हयात की रहनुमाई इस तरफ को करें जिस्म तरफ जिस तरफ हम चाहते हैं। तीसरा सवाल ये है कि भाई 10 जेल में से किसी एक सवाल का जवाब तकरीबन 40 से 60 अल्फाज में दीजिए। जज्बात में एक तो तवातुर की तरह है, हमें ज़िंदगी में मुस्बत और मनफी जज्बात का सामना करना होता है लेकिन हमारी ख्वाहिश ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत जज्बात के लिए होती है। इसकी वजाहत कीजिए कि हम मुस्बत जज्बात की ख्वाहिश क्यों रखते हैं। अपने जवाब की तायद मौजी अजबाब की बिना पर कीजिए। इसका जवाब लिखेंगे मुस्बत जज्बात जो होते हैं हमारे पर असरअंदाज होते हैं, ये हमारी सोच नेज मादी और समाजी वसाइल की तौसी करते हैं और दबाव और तनाव के औकात में मुकाबले के लिए ढाल बनते हैं। मुस्बत जज्बात का असर अक्सर हमारी मदद करता है, तवज्जो और सोच में वसअत पैदा होती है और गहराई आ जाती है। इसके नतीजे के तौर पर हमारे अंदर हालात के मुकाबले में हिम्मत व हौसला पैदा होता है और मुस्बत जज्बात मनफी जज्बात के मनफी असरात की खराबी को दूर करते हैं या उसमें सुधार पैदा करते हैं। मुस्बत जज्बात से जहनी सेहत और फलाह व बहबूद में इजाफा होता है, हम ज़्यादा चाको चौबंद हो जाते हैं। जो लोग मुस्बत जज्बात का इजहार करते हैं उनको ये एहसास हो जाता है उनसे लोग मोहब्बत करते हैं, यूँ कहते हैं कि इससे बदले में मोहब्बत की जाती है। नेज मुसर्रत लोग ज़्यादा मुअस्सर अपने कामों में ज़्यादा कामयाब होते हैं।
और इसके बाद है चौथा, दर्ज जेल में से किसी एक सवाल का जवाब तकरीबन जो है 100 से 150 अल्फाज में दे रहा है। पहला अलिफ, अलिफी कराया मैंने कि इंसान के अंदर तजस्सुस का मादा हमारे इर्द गिर्द होने वाले मुख्तलिफ वाकयात की वजह से दरियाफ करने पर आ सकता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मिसालों से इस्तेमाल करते हुए इस बात की वजाहत कीजिए कि नफ्सियात आम आदमी के रवैये के अफहाम और तफहीम से किस तरह मुख्तलिफ है। इंसान के अंदर तजसीस और बुनियादी नफ्सियाती आमाल किरदार के मुतालिक वक्त माहिरीन नफ्सियात की अहम जिम्मेदारी है कि उन आमाल को समझ लें जो किसी खास किरदार की मजमू तौर पर मुतासर। तजसीस, सेंसेशन, तजसीस से मुराद ऐसे मुख्तलिफ मराहत की तय आ गई है जिससे हम मुख्तलिफ सूरतों में दो चार होते हैं, जैसे नज़र दिखाना, समाज सुनना, लम्स छूना और जायका चखना। बी, तवज्जो, अटेंशन, तवज्जो के दौरान हम बहुत सी दीगर हरकात को मौजूदगी से किसी एक खसूसी मुहर्रिक पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मिसाल के तौर पर क्लासरूम में लेक्चर सुनते वक्त हमारी तवज्जो टीचर की बातों पर होती और हम क्लास में मौजूदा दीगर हरकात जैसे पंखों वगैरह के शोर को नज़रअंदाज कर देते हैं। अदराक, पार्टिसिपेशन, अदराक के मुकाबले में हम मालूमात की तरकीब व तामीर करते हैं और दस्तियाब मुहर्रिकात के मानी पहनते हैं। मिसलन हम किसी कलम को देखते हैं और उसको पहचान लेते हैं और फिर देखने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। आमोजिश, लर्निंग, इसीलिए हमें नई नई बातों का इल्म होता है और तजुर्बा नेज मश्क के ज़रिए महारतें हासिल होती हैं। फिर ये हासिल शुदा इल्म और महारतें हमारे किरदार में तब्दीली लाती हैं और गूंगा हालत में तब्दील हमारी साजी एडजस्टमेंट को आसान बनाती है। मिसाल के तौर पर हम जबान सीखते हैं या साइकिल चलाना सीखते हैं और रियाजी के मुश्किल हल करने के लिए रियाजाती महारतों का इस्तेमाल करते हैं। हाफजा, मेमोरी, हम जिस मामलों की तरकीब व तामीर प्रोसेसिंग करते हैं और जो कुछ हम सीखते हैं हमारे जहन नशीन होता है और हाफजे के निसाम में ज़खीरा हो जाता है। फिक्र, सोच, थिंकिंग, सोचने के मामले में हम ज़खीरा शुदा मामलात के मुख्तलिफ मामलात को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम मंतकी तौर पर अपने जहन में मौजूद बहुत सी चीज़ों के दरमियान रिश्ता कायम करते हैं। पांचवा सवाल है, दर्ज जेल में से किसी एक सवाल का जवाब तकरीबन 100 से 150 अल्फाज में दीजिए। हमारे जिस्म और दिमाग एक इकाई के दो हिस्से हैं, अगर जिस्म सेहतमंद रहता है तो दिमाग चाको चौबंद मुस्तैद पुरजोश रहता है, वरना इसके बरक्स होता है। जिस्म और दिमाग का ताल्लुक पर तबसरा करते हैं और सेहतमंद जिस्मानी दिमाग ताल्लुक को बरकरार रखने के तीन तरीके। पहला यह है कि जो शख्स अपनी ग़िज़ा मशागिल और वर्जिश मामलात को अंजाम देता है एतदाल पसंद होता है और अपने सोने जागने के औकात में एतदाल का राह अख्तियार करता है। योगा उसकी दुखों को दूर भगा देता है। जिस्म और जहन दोनों एक मशीन के हिस्से हैं। अगर जहन खुश और खुर्रम है तो अपने कामों को चुस्ती और तवानाई के साथ अंजाम देता है। अगर जिस्म सेहतमंद है तो जहन भी खुश और खुर्रम है तो अपने कामों को चुस्ती और तवानाई के साथ अंजाम देता है। सेहतमंद जिस्मानी दिमागी ताल्लुक को बरकरार रखने के तीन तरीके हैं। पेथ योगा, योगा एक किस्म का मकसद जिस्म के काम काज या उसके काम करने के तरीकों को कंट्रोल करना और तवानाई प्रोग्रेस के बहाव के लिए रास्ता बनाने में मदद करता है। राजयोगा, ये योगा शऊर में एथल पुथल या उतार चढ़ाव पर रोक लगाने के लिए। ग़िज़ा, डाइट, योगा में ग़िज़ा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है क्योंकि जिस किस्म की और जितनी मकदार में हम ग़िज़ा लेते हैं इससे हमारे जिस्म में हमारे मिजाज का तायुन होता है। कहा जाता है सही किस्म की ग़िज़ा हमारी रूह और तज़किया होता है। अगर हम ग़िज़ा खालिस और पाक है तो जहन भी पाक और साफ़ है। जब हम ग़िज़ा खालिस और पाक साफ़ होगी तो हाफ़ज़े में मजबूत होगा और जिस शख्स का हाफ़ज़ा मजबूत होगा तो वह बासलाहियत तरीक़ों से कामों को अंजाम दे। ग़िज़ा के अलावा मुनासिब आराम और नींद हमारा तंदरुस्त रहने के लिए ज़रूरी है। आराम, ताज़ा हो हवा और मुनासिब वर्जिश हमारे दिन की ज़रूरियात है। क्या आपको मालूम है कि हमें वर्जिश की क्यों ज़रूरत है? वर्जिश के बिना हमारा जिस्म कचल कम होता है। वर्जिश ना करने से हमारे जिस्म भारी और चर्बी और जहरीले मादे इकट्ठे होते हैं और फिर टूट फूट अमल तेज़ी से होता है।
अब इसके बाद जो है भाई आखिरी सवाल है इसका कि 10 जेल में से किसी एक तो प्रोजेक्ट बनाए। आपके इलाके में योगा कैंप मुनज़्ज़म किया जा रहा है, आपको मारवी मुराकबे की मशक के पहलू पर वाकफियत फैलाने के लिए एक मुकर्रर तौर पर मदू किया जाता है, मुतज़क्किरा मौजू पर एक तकरीर तैयार कीजिए जो समाज के सभी तबकात के लिए मालूमाती इजाफी हो। मारवाई मुराकबा ध्यान, इसके अंदर ये वाली सारी बातें आप लिख देंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है भाई। ये सारी बातें हैं, ऐसा मानिन TM तवज्जो देने का उतार चढ़ाओ, ये सारी बातें आप इसके अंदर जो है आसानी से भर देंगे। ये वाला पूरा इसके अंदर है, आप देख लीजिए, ठीक है। ये पूरा समझ के अच्छे से कर दिए, क्योंकि वीडियो अगर मैं लाइन पढ़ूँगा तो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर देता हूँ। शॉर्ट से पूरी एक वीडियो बना दी, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। शुक्रिया।